आज मैं झटपट स्वादिष्ट और सूजी के ढोकले की रेसिपी आपके साथ मैं शेयर करूंगी। देखिए लग रहा है ना एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट और स्पॉन्जी ढोकला। मेरी इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आप भी इस तरह स्पॉन्जी ढोकला घर पे आसानी से बना सकते हैं। तो दर्शकों मिक्स्ड सीजन्स में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। मैंने यहाँ पर एक कप बारीक सूजी ली है। यदि आपके पास में बारीक सूजी नहीं है तो आप इसे मिक्सर ग्राइंडर में एक बार चला दीजिए तो ये सूजी काफ़ी बारीक हो जाती है। और साथ ही में मैंने एक कप यहाँ पर दही लिया है। अगर आपके पास दही नहीं है तो आप छाछ का भी उपयोग यहाँ पर कर सकते हैं। पूरी रेसिपी के लिए ना आप एक कप सेट कर लें और उसी कप से आप सभी मेजरमेंट को करें तो आपका रवा ढोकला एकदम बढ़िया बनेगा। साथ ही इसमें ऐड करेंगे एक टेबलस्पून चीनी और एक टेबलस्पून तेल ऐड कर देंगे। और अब नमक डालिए स्वाद के अनुसार। यहाँ पर मैंने एक मिक्सर ग्राइंडर जार लिया है और उसमें 5 से 6 हरी मिर्च ली है, साथ ही 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। अब मैं इसका एक फाइन पेस्ट बना लूँगी जो हमें ढोकले में डालना है। सभी चीज़ों को चम्मच से अब अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और इसमें मैं अब डालूँगी 1/2 कप पानी। पानी आप बहुत ध्यान से डालें, हमारा यह ढोकले का बैटर ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए। मैंने यहाँ सिर्फ 1/2 कप पानी लिया है और अगर हमें ज़रूरत लगे तो हम आगे इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। ढोकले के इस बैटर में मैंने तेल का उपयोग किया है। आप यह स्टेप बिल्कुल ना मिस करें क्योंकि तेल डालने से हमारे ढोकले बहुत ही नरम बनते हैं। आप देख रहे हैं सभी चीज़ों को मैंने कितने अच्छे से मिक्स किया है और हमारा ये बैटर कितना गाढ़ा बना है। जैसे हमारे इडली का बैटर होता है ना, ठीक उसी तरह हमें इसका भी बैटर बनाना है। चलिए अब इसे 15 से 20 मिनट तक रेस्ट होने देते हैं। मैंने यहाँ पर एक स्टील की थाली ली है। अब मैं इसे अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लूँगी। मैंने यहाँ पर एक नॉनस्टिक कढ़ाई ली है और उसमें मैं एक इस तरह की रिंग रंग दूंगी। और अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी और उसके बाद में हम इसे अच्छे से उबलने देंगे। जब तक हमारा बैटर रेस्ट हो रहा है ना, तब तक हमें इस प्रक्रिया को पूरा कर लेना है। आप ढोकला बनाने के लिए प्रेशर कुकर, ढोकला स्टीमर, सॉस पैन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लगभग 20 मिनट हो चुके हैं, हम अपना ढोकले का बैटर चेक कर लेते हैं। देखिए बहुत बढ़िया ढोकले का बैटर बना है, एकदम गाढ़ा है। अभी इसमें और ज़्यादा पानी हमें डालने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने जो 1/2 कप पानी डाला था वह इसके लिए काफ़ी है। अब यहाँ ढोकले को स्पॉन्जी और सॉफ्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ इनो फूड सॉल्ट का उपयोग किया है। मैं इस सैशेट को काट लूँगी और ये इनो फूड सॉल्ट उसमें डाल दूँगी और ऊपर से हम 1 चम्मच इसके ऊपर सिर्फ पानी डालेंगे, जिससे ना इनो फूड सॉल्ट हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। ध्यान रहे इनो डालने के बाद में आपको इस बैटर को बहुत ज़्यादा ज़ोरों से नहीं मिक्स करना है, इसे एकदम हल्के हाथों से आप मिक्स कीजिए। ध्यान रहे इनो डालने के बाद में हमें सभी प्रक्रिया को जल्दी जल्दी करना है। अब मैं इस बैटर को स्टील की थाली में ट्रांसफ़र कर दूंगी और तुरंत हम इस ढोकले के बैटर को स्टीमर में डाल के स्टीम कर लेंगे। मैंने यहाँ पर नॉनस्टिक कढ़ाई ली है, मैं उसी में डाल के इसको अच्छे से 15 से 20 मिनट तक स्टीम कर लूँगी। और दर्शकों अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। यहाँ पर पानी अच्छे से बॉईल हो चुका है। अब मैं इस थाली को इस रिंग के ऊपर रख दूंगी और इसे ढककर अच्छे से 15 से 20 मिनट तक स्टीम कर लेंगे। लगभग 20 मिनट हो चुके हैं और ढोकला हमारा अच्छे से तैयार हो गया है। अब इसे चेक करने के लिए एक टूथपिक इसमें डालें। अगर वह साफ निकल आए तो समझिए कि आपका ढोकला बन के तैयार है। और अगर ढोकला आपका टूथपिक में चिपक रहा है तो आप इसे 5 से 6 मिनट तक और अच्छे से स्टीम कर लीजिए। ढोकला को अच्छे से ठंडा होने दीजिए, फिर एक चाकू की सहायता से इसके साइड्स को आप लूज कर लीजिए और एक थाली में अब हम इसे पलट लेंगे। वैसे आप इस ढोकले को सुबह का नाश्ता या शाम की चाय के साथ स्नैक के तौर पर स्वादिष्ट रवा ढोकले का मज़ा उठा सकते हैं। ढोकले को आप हरी धनिया और पुदीने की चटनी के साथ में या सॉस के साथ में परोस सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ढोकला यहाँ पर कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है। मैं आपको ना नज़दीक से दिखा देती हूँ। अब चाकू की सहायता से आप इसे मनचाहे शेप में कट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसे स्क्वायर शेप में कट किया है। सूजी के पौष्टिक गुणों की बात करें तो दरअसल सूजी में फाइबर, विटामिन ई और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स अधिक मात्रा में होते हैं, जो शरीर के विकास के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। साथ ही सूजी कोलेस्ट्रॉल आदि से भी फ्री होती है, जिसके कारण सूजी एक पौष्टिक और संतुलित आहार माना जाता है। तो आप सूजी का सेवन ज़रूर ज़रूर किया करें।
चलिए अब हम सूजी के ढोकले को एक अच्छा सा तड़का देंगे। यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून तेल लिया है और उसमें मैं राई डाल दूंगी 1 टेबलस्पून। साथ ही में हम उसमें 8 से 10 करी पत्ते ऐड कर देंगे। साथ ही में लंबी हरी कटी हुई मिर्च ली है और 1 टेबलस्पून यहाँ मैंने तिल का उपयोग किया है। सभी चीज़ों को आप अच्छे से फ्राई हो जाने दीजिए और उसके बाद में हम इसे ढोकले के ऊपर फैला देंगे। आप बेसन के ढोकले तो अक्सर बनाते होंगे, लेकिन इस बार इस सूजी के ढोकले को बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। तड़के को हमें सभी तरफ से अच्छे से फैला देना है और अब मैं इसमें सजाने के लिए हरी धनिया का उपयोग करूंगी। साथ ही में मैं यहाँ पर कोकोनट पाउडर का उपयोग कर रही हूँ। आप ढोकले को सजाने के लिए ताज़ा किसा हुआ नारियल का उपयोग भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो तैयार है यहाँ पर मेरा सूजी का सॉफ्ट सॉफ्ट ढोकला, जो बच्चे और बड़ों सभी को बहुत पसंद आता है। और अगर मेहमान आ जाए ना तो जल्दी में आप यह ढोकला बना के सर्व कर सकते हैं। आप भी इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और ज़रूर एक बार ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं आपको मेरी यह रेसिपी कैसी लगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक खाते रहिए, खुश रहिए।